नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे। और मैं अरविंद शुक्ला आपके लिए पहला मॉक लेके आ गया हूँ। मैं चार मॉक में आपके सभी करंट अफेयर्स को कवर करूंगा जो दिसंबर, नवंबर और जनवरी के होंगे। तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है, आप सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ और हम तैयारी करते हैं SBI PO, IBPS PO, RRB PO और क्लर्क मेंस की, ठीक है। और जितना भी मैं पढ़ाऊंगा ये पूरा मेंस की क्लास। अगर पीओ के एग्जाम की बात करें तो पीओ में इंटरव्यू लेवल की, किसकी इंटरव्यू लेवल पे भी आप तैयार रहेंगे, किस एग्जाम में, पीओ के एग्जाम में, ठीक। सो डेली मॉर्निंग करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूं आपको 8:30 बजे और इवनिंग में पढ़ा रहा हूं बैंकिंग अवेयरनेस। और आज स्पेशल, आज हमारा क्या चल रहा है, यूट्यूब फेस्टिवल चल रहा है जिसके तहत स्पेशल क्लास लगाई गई है। क्या लगाई गई है, स्पेशल क्लास लगाई गई है। और मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं मॉक वन। क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मॉक वन। सो ये वो करंट अफेयर्स होंगे जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होंगे, आपको पता होगा कि कहां पे हमें ये तैयारी है। और एक बार आप मेरी क्लास में पढ़ के तो देखिए, याद ना हो जाए तो आप कहिएगा कि अरविंद शुक्ला सर आपने याद नहीं कराया। तो मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर लीजिए अरविंद शुक्ला सर को। और अगर आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोड ARS50 यूज करना ना भूलें। क्या है मेरा कोड, ARS50। और यहां पे मिलेगा 10% डिस्काउंट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे के तहत आप पेमेंट कर सकते हैं। ARS50 हमारा कोड है, आप इनको, इस कोड को भूलना नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया आज मैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से कहते हैं रैपिड फायर। क्या पढ़ाने जा रहा हूं, रैपिड फायर पढ़ाऊंगा और आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कराऊंगा। बस आपको फटाफट क्या देना है, आंसर देना है। तो जितने भी लोगों के पास तक मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा ये पहुंचा है आप सेशन, तो आप प्लीज जुड़ जाइए और आ जाइए अरविंद शुक्ला सर के साथ। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ थर्ड ग्लोबल RE इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वर्चुअली फ्रॉम नवंबर 26-28, 2020। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 26-28 नवंबर 2020 तक आयोजित तीन ग्लोबल क्या RE इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो के विषय क्या था। यानी उन्होंने ये पूछा है कि इसका विषय क्या था कि जो ये समिट इन्वेस्ट की गई, तो क्या इनोवेशन इन पेंडेमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ, और है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर। अगर हम बात करें तो MNRE के जो मिनिस्टर, उनका नाम है राजकुमार सिंह। क्या नाम है, राजकुमार सिंह। क्या नाम है, राजकुमार सिंह। फटाफट लिखते जाइए जो जो इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो बैठक है ये CII के तत्वाधान में की गई है। किसके साथ की गई है, CII के। और CII की बात करें तो 1895 में CII आ गया था और उदय कोटक साहब इसके क्या है, उदय कोटक साहब इसके क्या है, चेयरमैन है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो क्या लिखा है, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, इसका क्या था, इसका थीम था, किसका थीम था, RE इन्वेस्ट 2020, ठीक है। और पार्टनर कंट्री कौन थे, एक तो ऑस्ट्रेलिया था, क्या था, ऑस्ट्रेलिया था, ठीक, जर्मनी था, डेनमार्क था, मालदीव्स था, क्या था, मालदीव्स था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चार देश हमारे क्या थे, पार्टनर थे। कितने देश पार्टनर थे, चार देश। और अगर हम बात करें तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ कोटक, उदय कोटक इसके क्या है, चेयरमैन है, ये जारी किया गया। तो इसकी थीम क्या थी, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर दो, फटाफट आइए क्वेश्चन नंबर दो पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड ₹900 करोड़ टू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्निकल DBT। देखो अब एक बात समझ लो, यहाँ पे DBT का एक फुल फॉर्म तो आपने पढ़ा है कि क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बेनिफिट ट्रांसफर। लेकिन आप एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे एक और फुल फॉर्म आ गया है, वो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये भी डीबीटी का फुल फॉर्म है, तो आपको समझ के आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख के पूछ लेगा डीबीटी, तो आप COVID-19 देख के फटाक से क्या लगा देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भारत सरकार ने COVID-19 टीकों के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और इस मिशन को क्या कहा गया है, क्वेश्चन क्या है, इस मिशन को क्या कहा गया है, मिशन समुद्रा, मिशन सुरक्षा, नेशनल हेल्थ मिशन, मिशन इनोवेशन या अटल मिशन, फटाफट बताओ इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है वो है मिशन कोविड सुरक्षा। क्या है मिशन कोविड सुरक्षा, इसका आंसर क्या है, मिशन कोविड सुरक्षा। और इसमें 3 फेज में पैसा दिया गया है, 900 करोड़ पहले भी दिया जा चुका है और फिर दिया गया है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, और हमारी अब वैक्सीन डेवलप भी हुई है, भारत बायोटेक की हो गई है और एक सीरम इंस्टीट्यूट की हो गई है, ठीक है। दो वैक्सीन, भारत बायोटेक, भारत बायोटेक ने भी डेवलप कर दी है और सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कर दी है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ने भी कर दी है, फटाफट देखते जाइए। सो हमारी दो वैक्सीन है और अब हम अपने मित्र राष्ट्रों को बांट भी रहे हैं। और सबसे पहले 1.5 लाख डोज, कितने लाख, 1.5 लाख डोज हमने किसको भेज दी है, भूटान को भेज दी है, फिर हम भेजने जा रहे हैं बांग्लादेश को, किसको भेजने जा रहे हैं, बांग्लादेश को भेजने जा रहे हैं, और फिर हम जा रहे हैं मालदीप को, किसको, मालदीप को भेजने जा रहे हैं, ठीक है। सो अपने मित्र राष्ट्रों को भी हम क्या भेज रहे हैं, अपनी जो COVID-19 वैक्सीन है वो भेज रहे हैं, ठीक है, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड 900 करोड़ टू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ COVID-19 वैक्सीन अंडर कोविड सुरक्षा मिशन। कौन सा मिशन है, कोविड सुरक्षा मिशन। पहले का आंसर, पहला क्या हो गया इसका आंसर, सेकंड का कोविड सुरक्षा मिशन। किस निकाय ने व्यापार और विकास पर COVID-19 महामारी के प्रभाव पर एक सामान्य संक्रमण रिपोर्ट जारी की है, इनमें से किसने ये रिपोर्ट जारी की है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने, या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, या यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंगटाड ने, या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने। फटाफट बताइए कि COVID-19 पर ट्रांजिशन टू आर न्यू नॉर्मल, ट्रांजिशन टू आर न्यू नॉर्मल रिपोर्ट जारी की है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अंकटाड। क्या नाम है, अंकटाड ने जारी की है। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके तहत, यूनाइटेड नेशंस के तहत, जनरल असेंबली के तहत ये आते हैं, UNGA के अंतर्गत। और अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को स्टेब्लिश हुआ था, और इसी दिन भारत इसका क्या बन गया था, मेंबर बन गया था, क्या बन गया था, मेंबर बन गया था इंडिया। और दोनों का ही हेडक्वार्टर एक ही देश में है, दोनों का ही हेडक्वार्टर कहां पे है, एक ही जिला और एक ही देश में है, और वह है जेनेवा। कहां पे है, जेनेवा में, कहां पे है, जेनेवा। और जेनेवा कहां पे है, स्विट्जरलैंड, कहां पे है, स्विट्जरलैंड। तो जो आंसर आपका होगा वो होगा सी, ठीक। अब IMF की हम बता दें, IMF के बारे में, तो IMF का सबसे लास्ट सदस्य 190वां सदस्य बना है एंडोरा। क्या बना है, एंडोरा, क्या बन गया है, एंडोरा। और अगर बात करें तो क्रिस्टीन जॉर्जिया, जॉर्जिया बेलारूस की, जॉर्जिया इसकी क्या है, चीफ है, ठीक है, चीफ है, समझ में आई बात। और वॉशिंगटन डीसी इसका क्या है, वॉशिंगटन डीसी में इसकी क्या है, कैपिटल यानी हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है। और IMF की करेंसी को कहा जाता है SDR, SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, या इसे कहते हैं बास्केट ऑफ करेंसी, या इसी को कहते हैं पेपर ऑफ गोल्ड। सो यहां पर जितनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हैं वो वही लिखे हैं जो व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो किस निकाय ने व्यापार और विकास पर COVID-19 महामारी का एक प्रभाव नामक सामान्य रिपोर्ट जारी की है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अंकटाड। क्या नाम है, अंकटाड। क्या नाम है, अंकटाड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पे, किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। सो मैं बता दूं एक्सप्लेनेशन, अंकटाड ने ये रिपोर्ट जारी की है, मैंने पहले ही बता दिया है। डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अनुसार अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान भारत में किस देश से सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव हुआ है, यानी DPIIT के अनुसार कि भारत में सबसे ज्यादा FDI किस देश से आया है, FDI किस देश से आया है, तो उस देश का नाम है सिंगापुर। क्या नाम है, सिंगापुर।
से सबसे ज्यादा सिंगापुर से आया है, फिर आया है कहां से, मॉरिशस से, कहां से आता है, मॉरिशस से आया है, और फिर आया है यूएसए से, कहां से आया है, यूएसए से। तो पहले सबसे नंबर एक पे मॉरिशस होता था, लेकिन इस समय सबसे एक पे कौन है, सिंगापुर है, फिर नंबर दो पे है मॉरिशस, और नंबर तीन पे यूएसए, कौन है, यूएसए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंगापुर, बी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जो सिंगापुर से आया है वो है 8.30 बिलियन, कितना आया है, 8.30 बिलियन आया है। मॉरिशस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, मॉरिशस की अगर हम बात करें, तो मॉरिशस सेकंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे कौन है, यूएसए, कौन है, यूएसए, ठीक है, सेकंड पे यूएसए, हाँ ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई है वो कहां से आया है, सिंगापुर से, कहां से आया है, सिंगापुर से। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो ओ लिखा है ओईसीडी, ओईसीडी देशों में सबसे अधिक शिक्षित प्रवासियों को भेजने में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो ओईसीडी कंट्रीज हैं, ठीक है, यहां पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे माइग्रेंट्स, पढ़े लिखे माइग्रेंट्स, पढ़े लिखे माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स मजदूर, माइग्रेंट्स है ना, और जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स हैं वो किस देश से आते हैं, चाइना से, कनाडा से, रसिया से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, या इंडिया, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक 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 कोऑपरेशन कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक। सो यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं वो कहां से जाते हैं, भारत से, नंबर एक पे जाते हैं भारत से, नंबर दो पे जाते हैं फिलीपीन से, कहां से जाते हैं, फिलीपीन से जाते हैं, और नंबर तीन पे आता है चाइना, कौन आता है, चाइना यानी चीन, कौन आता है, चीन, ठीक है। सो जो 65% है वो कहां से है, यहां से है, 53% यहां से है, और 48% कहां से, यहां से है, ठीक है, फटाफट समझ जाइए, ये मैंने राउंड फिगर में परसेंटेज आपको दे दिया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे माइग्रेंट्स ओईसीडी देशों में जाते हैं वो कहां से जाते हैं, इंडिया से, कहां से जाते हैं, इंडिया से, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, Which financial institution released a new book titled Future of Regional Cooperation in Asia and the Pacific? एक किताब आई है हाल ही में, किस वित्तीय संस्थान ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन शीर्षक से एक नई पुस्तक जारी की है, क्या वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, क्या वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, क्या वो वर्ल्ड बैंक है, क्या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ए आई आई बी चाइना का है, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, और बीजिंग, बीजिंग में कहां पे है, बीजिंग में है, कहां पे, बीजिंग में है, हेडक्वार्टर कहां पे, बीजिंग में, ठीक। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है या न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका कहां पे है, संघाई में है, कहां पे है, संघाई में है, ठीक है, ठीक है। तो आईएमएफ का, आईएमएफ कहां पे है, वॉशिंगटन डीसी है, कहां पे, वॉशिंगटन डीसी है, वर्ल्ड बैंक का भी वॉशिंगटन डीसी है, और इसका कहां पे, मनीला, मनीला फिलीपींस में है, कहां पे, फिलीपींस में है, ठीक है। सो जो इसका आंसर होगा वो होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, किसने जारी की है ये रिपोर्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जारी की है, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। सो ये रिपोर्ट जो जारी की गई है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी गई है एक पुस्तक के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो अगर बात करें, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों के लिए रासायनिक युद्ध के दिन याद करने के लिए किस दिन को मनाया जाता, कौन सा दिन मनाया जाता है, फटाफट आप इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या वो 26 नवंबर है, क्या 27 नवंबर है, क्या वो 28 नवंबर है, क्या 29 नवंबर है, या 30 नवंबर है, ठीक है। ओपीसीडब्ल्यू, ओपीसीडब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिटेड प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है, वेपन्स, ठीक। सो ये रिपोर्ट जारी की है और ये मनाया जाता है 30 नवंबर को, कब मनाया जाता है, 30 नवंबर को, केमिकल अटैक के उपलक्ष्य में एक यादगार दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, वो है 30 नवंबर, ठीक है, कब है, 30 नवंबर, कब है, 30 नवंबर, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, नाउ आगे बढ़ते हैं, वेयर हैज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑर्गन डोनर मेमोरियल
been inaugurated virtually in the country of the occasion of 11th National Organ Donation Day celebration. 11वें राष्ट्रीय अंग दान दिवस समारोह के अवसर पर देश में अपनी तरह के ऑर्गन डोनर मेमोरियल का पहला उद्घाटन किस राज्य ने किया है? फटाफट बता दो किस राज्य ने किया है। क्या वह गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब है या हरियाणा है? तो अगर हम बात करें तो वो किया है राजस्थान ने। किसने किया है? राजस्थान राज्य ने किया है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। क्या नाम है? अशोक गहलोत जी हैं। कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। नेम द इंडिया ऑब्जर्वेटरी दैट हैज बीन अकॉर्डेड माइलस्टोन फैसिलिटी स्टेटस बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर IEEE के द्वारा उस वेधशाला का नाम बताइए जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल ने माइलस्टोन फैबिलिटी का दर्जा दिया है। माइलस्टोन फैबिलिटी यानी माइलस्टोन फैसिलिटी का दर्जा दिया है। क्या वो वेनू बप्पू ऑब्जर्वेटरी है? क्या वो गौरी बिदनौर ऑब्जर्वेटरी है? या वो कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है? या वो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है? या वो द जायंट मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी महाराष्ट्र है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जायंट मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी पुणे महाराष्ट्र। कहां का ये? पुणे महाराष्ट्र की है। कहां की है? पुणे महाराष्ट्र। कहां की है? जीएमआरटी को ये दिया गया है। और ये कहां पे है? पुणे महाराष्ट्र में। कहां पे है? पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग द 21st एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 फ्रॉम 1st to 5th December ऑर्गेनाइज वर्चुअली फॉर फर्स्ट टाइम ड्यू टू द पेंडेमिक। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पेंडेमिक की वजह से 1 से 5 दिसंबर तक अपना हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाएगा? अगर हम हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उस राज्य के लोग इसे कहते हैं फेस्टिवल्स ऑफ ऑल फेस्टिवल्स। क्या कहा जाता है? फेस्टिवल्स ऑफ ऑल फेस्टिवल्स। ठीक है, फेस्टिवल्स ऑफ ऑल फेस्टिवल्स के नाम से इसको जाना जाता है। और ये 1 से 5 दिसंबर तक मनाया जाएगा। तो हम बता दें आपको 1 दिसंबर हाल ही में क्या है? स्थापना दिवस है। क्या है? स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है, स्थापना डे है। और वो किसका है? फटाफट बताओ, नागालैंड का है। किसका है? फटाफट बताओ, वो है नागालैंड का। किसका है? नागालैंड। किसका है? नागालैंड का है। किसका है? नागालैंड। ठीक है, फाउंडेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? नागालैंड में। कहां पे मनाया जाता है? नागालैंड में। कहां पे मनाया जाता है? नागालैंड में। कहां पे मनाया जाता है? नागालैंड। ठीक है, अब हाल ही में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन और आया है। वो क्वेश्चन है कि विच बैंक साइन MOU विद सिडबी। मैंने आपको बार बार बताया है, ये चौथी बार मैं पढ़ाने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को, कि सिडबी के साथ, सिडबी ने MSME बोरोवर को मॉड्यूल और ट्रेनिंग देने के लिए इक्विटी और लोन की फैसिलिटी उन्हें मिले, इसके लिए किस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है? तो आपको सबको पता है कि इसका जो आंसर है वो है इंडियन बैंक। क्या नाम है? इंडियन बैंक। क्या नाम है? इंडियन बैंक। किसके साथ एग्रीमेंट किया है? इंडियन बैंक के साथ। किसके साथ किया है? इंडियन बैंक। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ISARC। ठीक, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैज लॉन्च एसेट रिकंस्ट्रक्शन मॉडल फॉर MSMEs माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना, डॉट इट योर सेल्फ वेब मॉड्यूल। ठीक है, और किस बैंक के साथ किया है? इंडियन बैंक के साथ किया है। किसके साथ किया है? इंडियन बैंक के साथ। इस संगठन ने संदीप कटारिया को संगठन के CEO भारत के रूप में, वैश्विक CEO के रूप में नियुक्त किया है। यानी विच ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड संदीप कुमार एज द CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फर्स्ट अपॉइंटेड, पहले उसने ग्लोबल CEO बनाया है। फटाफट बताओ, किस संदीप कटारिया को किसने CEO बनाया है? संदीप कटारिया साहब को किसने CEO बनाया है? तो संदीप कटारिया साहब को बाटा ने अपना क्या बना दिया है? CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या बना दिया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया है बाटा इंडिया ने। किसने बना दिया है? बाटा इंडिया ने। ठीक है, बाटा इंडिया हैज बीन एलिवेटेड As the CEO of Bata organization, he became the first Indian to be appointed as a global CEO of Bata. He succeeds Alexis Nassar,
किसको इन्होंने किया है, एलेक्सिस नेसर्ड को इन्होंने प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। सो अब मिस्टर संदीप कटारिया साहब, संदीप कटारिया साहब को क्या बना दिया गया है, सीईओ ऑफ बाटा, ठीक है, बाटा, ठीक है, फुटवेयर ब्रांड है बाटा। विच कंट्री टॉप्ड द एशिया इन वायररी वायबरी यूज ऑफ पर्सनल कनेक्शन टू एक्सेस पब्लिक सर्विसेज एज पर द 10th एडिशन ऑफ द रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, ग्लोबल कनेक्शन करप्शन बैरोमीटर एशिया 2020 ऑफ करप्शन वॉचडॉग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत पर नजर, भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया 2020 नामक रिपोर्ट के 10वें संस्करण के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए रिश्वतखोरी में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है। अगर रिश्वतखोरी की बात करें भैया, तो आप तो जानते ही हो, रिश्वतखोरी की बात करें तो बाप बड़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो इसमें तो हमारे देश के आगे कोई निकल ही नहीं सकता। रिश्वतखोरी में भारत नंबर एक था, है और रहेगा, जैसा मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। सो इंडिया टॉप इन दिस रैंकिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें, भारत सबसे ऊपर है अव्वल नंबर पे, जहां पे रिश्वतखोरी की सबसे ज्यादा बात चलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश ने 20 मिलियन से दक्षिण पूर्व एशिया में 2019 में लगभग 5.6 मिलियन दर्ज किया। इसको फिर से हम समझते हैं, विच कंट्री हैज रिकॉर्ड लार्जेस्ट रिडक्शन ऑफ मलेरिया केसेस इन साउथ एशिया। बस सीधे सीधे समझ लो कि जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया का मतलब होता है दक्षिण एशिया में मलेरिया उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन में, उन्मूलन में सबसे आगे कौन है, सबसे आगे कौन है, यानी कौन सा देश है जिसने मलेरिया उन्मूलन में सबसे अच्छा काम किया है, क्या वो बांग्लादेश है, क्या इंडिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया या सिंगापुर। सो इसका भी आंसर इंडिया है, मलेरिया उन्मूलन में सबसे आगे कौन है, इंडिया है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। आगे बढ़े, शुभम गुप्ता सर, इंडियन बैंक बाटा इंडिया, बिल्कुल सही शुभम सर, आपका वेलकम है, स्वागत है, बहुत बढ़िया। किस सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन ने बेंगलुरु कर्नाटक में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक दिया है। फटाफट बताओ भाई, किसको दिया है प्रोपेलेंट टैंक, है ना, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किसको, इसरो को दिया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दिया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने दिया है, या अगर हम बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने दिया है या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है। फटाफट बताओ भाई, किसने दिया है इसरो को ये। इसके बारे में बता दूं, ये एक प्रकार का एल्यूमिनियम टैंक है, क्या है, एल्यूमिनियम टैंक है, एल्यूमिनियम टैंक है। पहले इस प्रकार के जो टैंक होते थे ईंधन के लिए, किसके लिए, ईंधन के लिए, आपने सुना होगा GSLB, सुना है GSLB, तो GSLB की अगर हम बात करें तो इसमें उड़ाने के लिए ईंधन चाहिए होता है, तो जो ईंधन के लिए टैंक चाहिए होता है उसके लिए हम अभी फ्रेंच गुआना पर निर्भर करते थे। अब भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है HAL, क्या नाम है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, इसने क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक दिया है, क्या दिया है, प्रोपेलेंट टैंक दिया है, और इसकी जो धारिता है वो 5,755 क्या है किलोग्राम है, ठीक है, 5,755 किलोग्राम है। सो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ज्योति चौधरी मैम, इसका आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दिया है, किसको दिया है, इसरो को दिया है, ठीक है। भारी उपग्रह लॉन्च करना होता है, जब भी हमें भारी, कैसा उपग्रह, जब भी हमें भारी उपग्रह लॉन्च करना होगा तो हमें ईंधन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, कैसे चाहिए होती है, ईंधन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, और उसके लिए ये जो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है ये HAL ने किसको दिया है, इसरो को, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, वेल डन, आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जबरदस्त। किस पेट्रोलियम कंपनी ने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया, जिसे XP100 नाम से भी जाना जाता है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस भारतीय कंपनी ने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है, जिसे XP100 के नाम से जाना जाता है। विच पेट्रोलियम कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल
ऑल्सो नोन एस XP 100, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन? फटाफट बताओ, रैपिड फायर है भाई। तो इसका जो आंसर है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। क्या आंसर है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। क्या नाम है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, MOPNG, मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च इंडिया फर्स्ट 100% ऑक्टेन पेट्रोल, ऑल्सो नोन एस XP 100, मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन ऑयल। किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है? इंडियन ऑयल के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े। मथुरा रिफाइनरी, और ये कहां से मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है? मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश। कहां से हो रहा है? मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आ गया है। चीन की पावर चाइना हाइड्रो पावर कंपनी तिब्बत में यारलुंग जंगबो नदी पर पहला डाउनस्ट्रीम बांध बनाने जा रही है। यारलुंग जंगबो नदी को भारत में क्या कहा जाता है? बहुत चर्चा में है ये यारलुंग, ये तिब्बत का नाम है। यारलुंग जंगबो नदी, जंगबो, यारलुंग जंगबो नदी, इन्हें क्या कहा जाता है पहले ये समझ लो। इंडस कहा जाता है या गैंगेस कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, सतलज या सलवीन? फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। तो जो सबसे बड़ा चर्चा और विवाद था वो था ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर था? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने जा रहा है कौन? चाइना यानी चीन। सो जो यारलुंग जंगबो नदी है ये तिब्बत में कहलाती है, यारलुंग जंगबो तिब्बत में कहलाती है। ठीक है, और भारत में जैसे ही एंट्री करती तो इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या कहा जाता है? वेल डन सोनिया, क्या लिखा? सोनीता महापात्रा, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया। ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक डेवलप्ड एंड लॉन्च PNB लेंस फॉर व्हाट पर्पस? पंजाब नेशनल बैंक ने PNB क्या लॉन्च किया है? PNB लेंस लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? KYC हैंडलिंग, कैश विड्रॉल, लोन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी पर्पस और लॉकर फैसिलिटी। फटाफट बताओ भाई इसका आंसर क्या है, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या है, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने जो लेंस को लॉन्च किया है PNB लेंस, इसका मेन काम है लोन मैनेजमेंट। क्या नाम है? लोन मैनेजमेंट। क्या नाम है? लोन मैनेजमेंट। इसका मुख्य कार्य क्या है? लोन मैनेजमेंट है। और अगर हम बात करें लोन मैनेजमेंट की, तो लोन मैनेजमेंट के साथ साथ अभी दिसंबर 2020 में पंजाब नेशनल बैंक ने OTP से ट्रांजेक्शन लेन देन करने वाली सुविधा को भी लॉन्च कर दिया है। सो जो PNB लेंस है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? PNB लेंस है उसका मुख्य उद्देश्य है लोन मैनेजमेंट। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PNB लेंस? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PNB लेंस इज लोन मैनेजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच बैंक इन कोलैबोरेशन विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड जापान JCB, ठीक, और इन्होंने रूपे JCB प्लेटिनम कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो उस कंपनी का, उस बैंक का नाम बताना है। तो आपको हम बता दें, अभी हाल ही में, ये तीसरी चौथी बार मैं पढ़ा रहा हूं, हाल ही में SBI, किसने? SBI और JCB ने एक प्लेटिनम कार्ड लॉन्च किया है, और वो कैसा है? कॉन्टेक्ट लेस है। और ये किस प्लेटफॉर्म पे है? रूपे। किस प्लेटफॉर्म पे? रूपे पे है। तो इसका नाम क्या हुआ? रूपे, क्या हो गया? रूपे JCB प्लेटिनम कॉन्ट्रैक्टलेस डेबिट कार्ड किस बैंक के साथ किया है? SBI के साथ। किसके साथ किया है? SBI। और परमिशन किसने दी है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर भारत में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे के अप्रूवल की बात होती है, तो वो अप्रूवल सिर्फ एक ही बॉडी देती है, और उस एक बॉडी का नाम है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन फटाफट बताओ भाई, रैपिड फायर चल रहा है। क्या चल रहा है? रैपिड फायर। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड 430 मिलियन मल्टी ट्रेंस फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिटेशन प्रोजेक्ट? किस वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण नेटवर्क पुनर्वास परियोजना के लिए $430, लगभग 4,143 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? फटाफट बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। 430 मिलियन उत्तर प्रदेश को मिले हैं, 430 मिलियन किसको मिले हैं? उत्तर प्रदेश को मिले हैं। काहे के लिए मिले हैं? उत्तर प्रदेश को मिले हैं रिहैबिटेशन के लिए। काहे के लिए? पावर रिहैबिटेशन के लिए, पावर रिहैबिटेशन के लिए। और ये पैसा दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किसने दिया है? एशियन
डेवलपमेंट बैंक ने, किसने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बिल्कुल शुभम गुप्ता सर, बहुत सही, जबरदस्त आंसर है, एडीबी आंसर आपका बिल्कुल सही है, और इस आंसर का एडीबी ही आंसर है, बिल्कुल एशियन डेवलपमेंट बैंक। और हम आपको बता चुके हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जब भी बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे, मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट। इंडिया इज रैंक्ड एट विच प्लेस इन द 8th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2020, मेजरिंग द इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस। ठीक है, सो अफगानिस्तान मोस्ट इफेक्टेड कंट्री, जहां पे बताया गया है कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है वो है अफगानिस्तान। ठीक, सो भारत की रैंक क्या है इस इंडेक्स में, भारत की रैंक है 8th, कौन सी रैंक है, भारत की रैंक है 8th, कितने के साथ, 7.35 स्कोर के साथ भारत की 8th रैंक है, और सबसे टॉप पे अफगानिस्तान है, क्या है, अफगानिस्तान, नंबर दो पे आता है इराक, क्या आता है, इराक आता है, और बिल्कुल सही शुभम, 8th आंसर इज द राइट आंसर, और तीसरे नंबर पे आता है इराक के बाद, क्या आता है, नाइजीरिया, क्या आता है, नाइजीरिया। ठीक है, सो ये टॉप 3 कंट्रीज है, और भारत की रैंक कौन सी है, 8th है, कौन सी है, 8th है। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। India men's football team has been ranked at which place as per FIFA update in November 2020? देखो, उन्होंने कहा है कि भारत की रैंक क्या है, तो फटाफट बताओ भारत की रैंक क्या है, पहले 108वीं रैंक थी, ये मैं बता दे रहा हूं, पहले कितनी थी, 108 रैंक थी, और अब कौन सी रैंक हो गई है ये पूछा है, फटाफट बताओ, बिफोर कितनी थी, अक्टूबर में कितनी थी, अक्टूबर में कितनी थी, 108 थी, और नवंबर में पूछी है, 104, शुभम गुप्ता सर का आंसर बिल्कुल सही है, 104 इज द राइट आंसर, 104 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। तो अब शुभम गुप्ता सर, एक क्वेश्चन मेरा है आपसे, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, कोच कौन है इंडियन क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम का कोच कौन है, फुटबॉल टीम का कोच कौन है, और अगर कोच है तो वो किस देश का है, कोच का नाम और देश आपको बताना है, फटाफट बताइए, फटाफट, कोच का नाम है स्टीमैक, क्या नाम है, स्टीमैक, और ये किस देश से आते हैं, क्रोएशिया से आते हैं, क्रोएशिया से आते हैं, किससे आते हैं, क्रोएशिया से आते हैं, किससे आते हैं, क्रोएशिया से आते हैं, किससे आते हैं, क्रोएशिया से, तो ये क्रोएशिया से आते हैं, और हमारी फुटबॉल टीम के जो कप्तान है, कप्तान की अगर हम बात करें तो कप्तान कौन है, सुनील छेत्री, कौन है, सुनील छेत्री है, कौन है, सुनील छेत्री, ठीक है, कप्तान सुनील छेत्री है, और भारत की रैंक 4 पायदान, कितने पायदान, 4 पायदान इंप्रूव हो गई है, कितनी इंप्रूव हो गई है, 4 पायदान इंप्रूव हो गई है, और आ गई है 104 की पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे आ गई है, 104 की पोजीशन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने चंद्रभागा बीच पर अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन किया, कोविड 19 प्रोटोकॉल के बाद कोणार्क डांस फेस्टिवल का 31वां संस्करण भी आयोजित किया गया। आपको हम बता दें चंद्रभागा बीच कहां पे है, चंद्रभागा जो बीच है ये उड़ीसा में है, कहां पे है, उड़ीसा में है, कहां पे है, उड़ीसा में, बिल्कुल शुभम सर, ये थैंक यू सर एडिशनल नॉलेज दवा के लिए बताने के लिए, थैंक यू शुभम सर, थैंक यू। तो अगर हम बात करें चंद्रभागा बीच उड़ीसा में है, कहां पे है, उड़ीसा में, कहां पे, उड़ीसा में, और यहीं के आपको, आपने सुना होगा सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक का नाम सुना है, सुदर्शन पटनायक को बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, पद्मश्री वगैरह से भी नवाजा गया है, और ये रेत से बहुत अच्छी कलाकृतियां बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कलाकृतियां बनाते हैं, रेत से कलाकृतियां बनाते हैं, ठीक है, आर्ट्स बनाते हैं। तो ये जो संस्करण आयोजन किया गया है, इसको उड़ीसा में किया गया, कहां पे कहां किया गया है, शुभम सर वेल्डन, इसको उड़ीसा में किया गया, वेल्डन, मार्वलस शुभम सर, अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक जरूर कर देना प्लीज, और शेयर भी कर देना, ठीक, आपके आने के लिए वेलकम, हमें भी मजा आ गया आप जब आंसर दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त मार्वलस परफॉर्मेंस, ठीक है। सो 2020 उड़ीसा गवर्नमेंट ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया है, और सुदर्शन पटनायक चीफ क्यूरेटर ऑफ द इवेंट थे, कौन थे, सुदर्शन पटनायक, और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म श्री अवार्ड मिला है, मैंने आपको बताया भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु विल लीड द टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक, ये भूतपूर्व क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के, फॉर प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट ऑन
इम्पार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन इन मदर टंग, हमारी मातृभाषा जो हम लोग कहते हैं हिंदी, किसको कहते हैं हिंदी, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेगा जो मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का खाका तैयार करेगा, और वो बहुत योग्य यानी एजुकेशन शिक्षाविद है, क्या है, शिक्षाविद है, जिनको इस कमिटी का क्या बनाया गया है, शुभम सर ने लगाया है, रमेश पोखरियाल निशंक, ये तो मंत्री हैं, इन्हीं ने तो ये टीम बनाई है, तो उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन उसको लीड करेगा, अमित कुमार खरे, कौन लीड करेगा, अमित कुमार खरे इस टास्क फोर्स को क्या करेंगे, लीड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, लीड करेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक कौन सी टास्क फोर्स फॉर प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट ऑन imparting technical education of mother tongue, ठीक है, so the task force will be headed by secretary of higher education Amit Khare, कौन करेंगे अमित खरे, ठीक है, done, आगे बढ़ते हैं, well done, बहुत बढ़िया, RIP आरक्षित वन में अपना 6वां राष्ट्रीय उद्यान राय मोना राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने के लिए कौन सा राज्य तैयार है, देखो मिलिटेंसी की वजह से वहां पे नुकसान हुआ है और इसीलिए वहां पे 6वां नेशनल पार्क, 6th नेशनल पार्क खोलने जा रहा है, बस आपसे पूछा उस राज्य यानी स्टेट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट, फटाफट बताइए भाई उस स्टेट का नाम क्या है, उस स्टेट का नाम असम है, बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हैं, शुभम सर मजा आ गया, शुभम गुप्ता सर, और उसका आंसर है डी आसाम, क्या नाम है, आसाम, और यहां पे ये 6th नेशनल पार्क खोलने जा रहे हैं और आसाम के मुख्यमंत्री का नाम है सर्वानंद, क्या नाम है, सर्वानंद साहब, कौन है, सर्वानंद है, और कोई खबर है अच्छी, हाँ मानस नेशनल पार्क भी कहां पे है, मानस नेशनल पार्क भी कहां पे है असम में ही है, गुड, बहुत बढ़िया शुभम सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, The Assam government has proposed to establish 6th national park, Raimona National Park, in the Ripu Reserve Forest of the state, which was severely damaged due to militancy. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. NABARD ने किसके साथ 2 दिसंबर 2020 को किस राज्य में संयुक्त हस्तक्षेप परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? NABARD National Bank for Agriculture and Rural Development has signed a MOU with SBI, ठीक है, SBI के साथ किया है, to joint intervention project in which state, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, आपको हम बता दें NABARD ने जो ये agreement किया है ये SBI की ब्रांच के साथ किया है, किसके साथ किया है, SBI ब्रांच, कहां की ब्रांच है, बेंगलुरु, कहां की है, बेंगलुरु, आपने सुना होगा NABARD ने एक पोर्टल लॉन्च किया है ई शक्ति, क्या नाम है, ई शक्ति और ई साथी, ठीक है, ई साथी, तो यहां से वो फार्मर्स को क्या देगा, एड प्रोवाइड करेगा, हेल्प प्रोवाइड करेगा, और उस राज्य का नाम है कर्नाटका, क्या नाम है, कर्नाटका, क्या नाम है, कर्नाटका, आगे बढ़ते हैं, कर्नाटका इज द राइट आंसर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स की सदस्यता प्राप्त की, IFSCA का मुख्यालय कहां है, बिल्कुल समझ लो, आज मैंने सुबह की क्लास में आपको बताया था कि IAIS का मुख्यालय कहां पे है, ये आप सभी ने बताया था बेसल्स में है, कहां पे, बेसल्स में है, और बेसल्स में कहां पे, बेसल्स कहां पे, स्विट्जरलैंड, ठीक है, जैसे आपको बैंकिंग रेगुलेशन के लिए बेसिल नॉर्म जारी करता है, बेसिल नॉर्म्स आते हैं आपने सुना होगा, बेसिल नॉर्म्स आते हैं आपने सुना होगा, जिन्हें हम लोग कहते हैं, जो जारी करता है BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, या BCBS, क्या कहा जाता है, BCBS, बेसिल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, क्या कहा जाता है, बेसिल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है, तो अगर हम बात करें इसी प्रकार एक और बॉडी, देखो इसके साथ एग्रीमेंट किया है IFSCA ने, ठीक है, और IFSCA का जो हेडक्वार्टर है वो है गांधीनगर में, कहां पे है, गांधीनगर गुजरात में, कहां पे है, गांधीनगर गुजरात में, इसका जो सही आंसर है वो है गांधीनगर गुजरात, तो यहां पे संशोधन है शुभम गुप्ता सर, न्यू दिल्ली की जगह आंसर होगा गांधीनगर गुजरात, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फिन
फिन इन बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल फ्लेज्ड कंज्यूमर नियो बैंक इन पार्टनरशिप विद विच बैंक। ठीक है, इन्होंने कहा है कि फिन बैंक ने किस बैंक के साथ साझेदारी में भारत का पहला पूर्ण उपभोक्ता बन गया है, और उस बैंक का आपको नाम बताना है। फटाफट बता दीजिए उस बैंक का नाम, और वो बैंक है मॉरिसस का। कहां का है? मॉरिसस का। कहां का है? मॉरिसस का बैंक है जो इंडिया में व्यापार कर रहा है, यानी भारत का कैसा बैंक है? EIGN, फॉरेन बैंक है। कैसा बैंक है? फॉरेन बैंक है। फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका क्या आंसर होगा? DSB बैंक। DSB बैंक कहां का है? सिंगापुर का है या हांगकांग का है? SBM बैंक, ये बताएंगे अभी। HSBC हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, हांगकांग सिटी बैंक, अमेरिका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक UK, ये कहां का है? ये सिंगापुर का है। कहां का है? सिंगापुर। ये कहां का है? मॉरिसस का। कहां का है? मॉरिसस का है, मॉरिसस का है। और HSBC कहां का है? सिंगापुर का है। हांगकांग संघाई हांगकांग का है, सॉरी हांगकांग का है, हांगकांग का है। और सिटी बैंक USA का है। कहां का? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक UK का है। ठीक है, और भारत में सबसे तेजी से जो काम करने वाला बैंक है, जो सबसे बड़ा बैंक विदेशी बैंकों में काम करता है, वो स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड है। ठीक, लेकिन जो क्वेश्चन है उसने पूछा है कि फिन इनके साथ एग्रीमेंट करके नियो बैंकिंग प्रोवाइड करने वाला क्या, नियो बैंक पार्टनरशिप कौन है? वो है SBM बैंक मॉरिसस। कहां का है? SBM बैंक मॉरिसस का है। कहां का है? SBM बैंक मॉरिसस। कहां का है? SBM बैंक मॉरिसस। ठीक है, तो हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। बहुत रैपिड फायर खेल रहे हैं हम लोग, और फटाफट रैपिड फायर में अगर जुड़ना है तो फटाफट शेयर कर दीजिए भाई लोग, है ना दद्दू। अगर आप शेयर कर दोगे तो हमारे क्लास में भी लोग आएंगे, और एक बार अगर लोग आ गए तो फिर जाने का नाम नहीं लेंगे। सो आप लोग, किसी भी टीचर को हीरो बनाने का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति को होता है, वो है उसका स्टूडेंट। अगर उसका स्टूडेंट चाहे तो अपने टीचर को हीरो बना देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What was the theme for the 6th BRICS Youth Summit 2020 opening ceremony held in Ulan Vosk, Russia? Ulan Vosk, Russia. रूस के यूलान वोस्क में आयोजित 6वीं ब्रिक्स यूथ समिट 2020 उद्घाटन समारोह का विषय क्या था? और यहां पे भारत की तरफ से भाग किसने लिया था, ये हम बता दें आपको। किरण रिजिजू ने। किसने लिया था? किरण रिजिजू ने। किसने लिया था? किरण रिजिजू ने लिया था। और किरण रिजिजू ने क्यों लिया था, ये भी हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये हमारे क्या है, यूथ मिनिस्टर है। क्या है? यूथ मिनिस्टर है। क्या है? यूथ मिनिस्टर है। और इन्हें हाल ही में कौन सा मंत्रालय दिया गया है? आयुष। कौन सा मंत्रालय दिया गया है? आयुष। आयुर्वेदा यूनानी, आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा और होम्योपैथिक, आयुष का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका आंसर, कौन से क्वेश्चन का आंसर, अगर हम 31वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 31वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर होगा ब्रिक्स चैलेंजेस ऑफ द टाइम फॉर यूथ पीपल। ब्रिक्स चैलेंजेस ऑफ द टाइम फॉर यंग पीपल। आंसर क्या होगा? ब्रिक्स चैलेंजेस ऑफ द टाइम फॉर यंग पीपल। सो फटाफट जुड़ते जाइए और लोगों को शेयर करते जाइए, अपने दोस्तों को भी बुलाते जाइए, आइए और पढ़िए। आपके लिए रैपिड फायर हर हफ्ते के वीकेंड पे मैं लेके आऊंगा आपके लिए रैपिड फायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो ब्रिक्स चैलेंजेस ऑफ द टाइम फॉर यूथ पीपल, ठीक, ये इस समिट का क्या था, स्लोगन था। और ये समिट क्या थी? सिक्स, कौन से नंबर की? सिक्स ब्रिक्स यूथ समिट 2020 थी। क्या थी? सिक्स ब्रिक्स समिट यूथ समिट 2020 थी। आगे बढ़ते हैं। सिक्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इंडेक्स FSI 2020 में भारत की रैंक क्या है? फटाफट बता दीजिए भाई कि सिक्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में भारत की रैंक क्या है? सिक्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत को जो पोजीशन दी गई है वो है 47। कौन सी है? 47। कौन सी है? देखो, सीमन आइलैंड को नंबर एक दिया गया है। सीमन आइलैंड को नंबर एक दिया गया है। दूसरे नंबर पे आता है USA। कौन सा आता है? नंबर तीन पे आता है स्विट्जरलैंड। क्या आता है? स्विट्जरलैंड। क्या आता है? स्विट्जरलैंड। और नंबर चार पे आता है हांगकांग। क्या आता है? हांगकांग। क्या आता है? हांगकांग। और नंबर पांच पे आता है सिंगापुर। पांच पे आता है सिंगापुर। सिंगापुर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अगर हम बात करें हाल ही में सिक्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 47 है, और इसमें जो टॉप है वो है सीमन आइलैंड, और नंबर दो पे USA, नंबर तीन पे स्विट्जरलैंड, और नंबर चार पे हांगकांग, नंबर पांच पे सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। फटाफट फटाफट आंसर देते जा रहे हैं, फटाफट आप आते जाइए और जुड़ते जाइए। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 133 कंट्रीज में से भारत की जो रैंक है वो कितनी है? आपको मैंने बताई है 47।
Which organization armed force carried out the firing of indigenously developed Akash missile system surface to air? Akash के बारे में लिख लीजिए, फटाक से साइड में लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए Akash और surface to air, क्या लिख लीजिए S2A, ये इंपॉर्टेंट है। और एक रशियन ओरिजन शॉर्ट रेंज इगला मिसाइल, कौन सी मिसाइल? इगला मिसाइल, इगला, ठीक है, ये रसिया की है, कहां की है? रसिया की, ठीक। सो उन्होंने पूछा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन आर्म्ड फोर्स कैरीड आउट द फायरिंग ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड आकाश मिसाइल सिस्टम एंड रशियन ओरिजिन शॉर्ट रेंज इगला मिसाइल एज पार्ट ऑफ अ ड्रिल विच टुक प्लेस एट सूर्यलंका आंध्र प्रदेश। फटाफट बताओ भाई, सूर्य लंका में आंध्र प्रदेश में मिसाइल का क्या किया गया? परीक्षण किया गया है, कौन कौन सी? आकाश और इगला का। तो किस फोर्स ने किया है? इंडियन आर्मी ने किया है, नेवी ने किया है, एयरफोर्स ने किया है, डीआरडीओ या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने? फटाफट आंसर दीजिए। और इसका जो आंसर है वो इंडियन एयरफोर्स। क्या है? इंडियन एयरफोर्स। किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स ने। किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने भारत द्वारा 24 से 28 नवंबर 2020 तक SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव को संबोधित किया। आयोजन का विषय क्या था? उन्होंने पूछा, इसका आंसर क्या था, यानी व्हाट इज द थीम, जो क्या है, थीम पूछी है। क्या पूछी है? थीम पूछी है। फटाफट बताओ 34वें नंबर का आंसर आप फटाफट बताइए। यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन एड्रेस द फर्स्ट SCO YSC 2020 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव होस्टेड बाय इंडिया। सो व्हाट इज द थीम, इसको होस्ट किसने किया है? इंडिया ने किया था। और इसकी जो थीम थी वो थी सेपिंग। क्या थी? सेपिंग SCO STI पार्टनरशिप यंग साइंटिस्ट प्रस्पेक्टिव्स, यंग साइंटिस्ट प्रस्पेक्टिव, ठीक है। सो SCO में जो समिट हुई है उसका जो थीम था वो था सेपिंग SCO STI पार्टनरशिप यंग साइंटिस्ट प्रस्पेक्टिव्स, ठीक है। सो फटाफट आप आंसर ए लगा दीजिए और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। शुभम सर आंसर नहीं आ रहे हैं, फटाफट आइए और आंसर दीजिए भाई। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा था जब आप आंसर दे रहे थे। भारत का सबसे बड़ा हाइपर लोकल फिनटेक स्टार्टअप पे नियर बाय टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने NPCI और किस बैंक के सहयोग से रुपए द्वारा संचालित पे नियर बाय शॉपिंग कार्ड लॉन्च किया है? क्या क्वेश्चन पूछा है? कि इंडियास लार्जेस्ट हाइपर लोकल फिनटेक स्टार्टअप पे नियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च द पे नियर बाय शॉपिंग कार्ड पावर्ड बाय रुपे इन कोलैबोरेशन विद NPCI एंड विच बैंक? सो अगर हम बात करें, इसका आंसर होगा यस बैंक। क्या आंसर होगा? यस बैंक। कौन सा बैंक होगा? यस बैंक। कौन सा बैंक होगा? यस बैंक। यस बैंक के साथ लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 आ गया है। एज पर द ऑफिशियल डेटा रिलीज बाय द कैग की अगर हम बात करें तो कंट्रोलर ऑडिटर जर्नल, क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जर्नल। और अगर हम कैग की बात करें तो सरकार के द्वारा खर्च किए गए पैसे, कौन सा? सरकार के द्वारा खर्च किए गए पैसे के ऊपर जो रिपोर्ट जारी होती है वो कैग जारी करता है। कौन करता है? कैग। और अगर आप कैग में अधिकारी बनना चाहते हैं तो SSC का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक। सो एज पर द ऑफिशियल डेटा रिलीज्ड बाय कंट्रोलर ऑडिटर जर्नल द सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज टू व्हाट परसेंट ऑफ द एनुअल बजट एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 एट द एंड ऑफ द अक्टूबर 2020? फटाफट बताओ भाई, कितने परसेंट का घाटा बढ़ रहा है भारत सरकार का? तो जो पहले 114.8% टारगेट किया गया था, कितना किया गया था? 114.8% अक्टूबर में। कब किया गया था? अक्टूबर 2020 में। और यही रिपोर्ट जब आती है बाद में तो यह घाटा बढ़ के हो जाता है 119.7%। कितना हो गया है? फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड 119.7%। फटाफट आंसर दीजिए, 119.7% इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य संचालन और रणनीतिक योजना और सूचना युद्ध के महानिदेशक DG के लिए दो नए पदों के सृजन
उप प्रमुख को मंजूरी दी है सैन्य संचालन और सामरिक नियोजन के लिए प्रथम उप सेना प्रमुख कौन होगा? डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव द क्रिएशन ऑफ टू न्यू पोस्ट नेमली डिप्टी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशन एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हु विल बी द फर्स्ट डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशन एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग? और इनका नाम है परमजीत सिंह। क्या नाम है? परमजीत सिंह साहब को पहला क्या बनाया गया है? फर्स्ट क्या बनाया गया है? फर्स्ट डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किस क्षेत्र में? ऑपरेशन एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग के क्षेत्र में बनाया गया है। आंसर है परमजीत सिंह। क्या है आंसर? परमजीत सिंह। क्या नाम है आंसर का? परमजीत सिंह। ठीक है, समझ में आ रहा? फटाफट आप लगाते जाइए। हु हैज बॉर्न द यूएस 1 मिलियन एनुअल ग्लोबल टीचर प्राइज 2020? द प्राइज वॉज फाउंडेड बाय वाके फाउंडेशन एंड ऑर्गेनाइज इन पार्टनरशिप विद यूनेस्को। यूनाइटेड नेशंस की जो बात करें, यूनेस्को जो बॉडी है उसके द्वारा ये किया गया है। तो किसने 1 मिलियन वार्षिक वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता है? ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीतने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 को जीतने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है। आपको नाम बताना है फटाफट। सुशांत कर है या सदत रहमान है या हरीश है या पॉल जैखरिया है या रंजीत सिंह डिसाल है। ठीक है, तो ये जो गर्ल्स एजुकेशन है, जो शिक्षा जो नहीं होता है, नगर परिषद के स्कूल होते हैं, आपने सुना होगा, नगर परिषद के स्कूल में जो गर्ल्स की एजुकेशन होती है उस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है मिस्टर रंजीत सिंह डिसेल को। किसको दिया गया है? रंजीत सिंह डिसेल को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। किसको नवाजा गया है? रंजीत सिंह डिसेल को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं, रंजीत सिंह डिसेल। ठीक है, साथ में IEF IDU इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल गैस यूनियन, मिनिस्ट्रियल गैस फोरम के वर्चुअल मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल की मेजबानी किस देश ने की है? फटाफट बताइए, विच कंट्री होस्टेड द वर्चुअल मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल ऑफ 7th IEF IDU? फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताइए भाई आंसर क्या होगा। किस देश ने इसकी क्या की है? मेजबानी की है। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम इंटरनेशनल गैस यूनियन की मेजबानी करने वाला देश है इंडोनेशिया या वियतनाम या मलेशिया या रसिया या म्यांमार? फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मलेशिया। क्या होगा? मलेशिया के क्वाला लामपुर मलेशिया के क्वाला लामपुर में ये समिट ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, 7th IEF IDU, याद रखिएगा, IEF का मतलब होता है इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, IGU का होता है इंटरनेशनल गैस यूनियन। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में इसको किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 40, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। फोर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति में RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GDP अनुमान क्या बताया है? जब फोर्थ बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया है, तो उसमें आरबीआई ने अपने सभी रेट को अनचेंज रखा है। रेपो रेट को रखा है 4.25 और रिवर्स रेपो रेट को रखा है 4%। ठीक है, तो अगर हम बात करें, फटाफट बताओ भाई इसमें क्या इन्होंने चेंज किया है? फटाफट बताओ भाई क्या चेंज किया है? कितना परसेंट जीडीपी ग्रोथ की बात हुई है? मैं आगे चला गया था क्वेश्चन के आगे, अभी मैं क्वेश्चन के आगे फिर से आऊंगा। तो फटाफट बताओ, यहाँ पे आरबीआई ने जो जीडीपी अनुमान लगाया है वो लगाया है -7%। कितना लगाया है? -7% कितना लगाया है? देखो रेपो रेट कितना है? 4%। कितना है? 4.35%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 4%। फटाफट समझना। और MSF और बैंक रेट है 4.2%। ठीक है, 4.25%। ठीक है, फटाफट फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ। तो जो जीडीपी ग्रोथ है वो है माइनस
7.5%, ठीक। आगे चलते हैं, -7.5% जीडीपी ग्रोथ आरबीआई ने की है, ठीक। आगे चलते हैं, किस बैंक ने किसानों के लाभ के लिए ओवरड्राफ्ट योजना कृषि शुरू की है? किस बैंक ने, फटाफट बताओ, कृषि शुरू करने वाले बैंक का नाम बताओ, फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ, कृषि, फटाफट बताओ भाई, फटाफट आंसर दीजिए, रैपिड फायर चल रहा है, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, फटाफट बताइए भाई क्या है इसका आंसर, फटाफट बताइए, फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, फटाफट बताओ भाई क्या है इसका आंसर, चैतन्य की अगर हम बात करें तो क्या है, चैतन्य है या आर, ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा ग्रामीण बैंक है फटाफट बताइए, ठीक है, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक है, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक है, या बिहार ग्रामीण बैंक है? तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने कृषि क्या की री सी योजना शुरू की है, किसके लिए, ग्रामीणों के लिए, कृषि की री सी योजना को शुरू करने वाला कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है, कौन सा है, 5 दिसंबर 2020 कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक KBGB लॉन्च कृषि ओवरड्राफ्ट स्कीम फॉर फार्मर्स, यानी ओवरड्राफ्ट आप ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं है या कम है, पैसा नहीं है या कम है, लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए है तो बैंक आपको पैसा निकालने की अनुमति देता है, दैट इज कॉल्ड ओडी, ओवरड्राफ्ट। एक्चुअली ये सेवा सबसे ज्यादा सबसे पहले करंट अकाउंट में होती थी, लेकिन आपने सुना होगा फिर बीएसबीडी अकाउंट आया प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, तो ओडी की फैसिलिटी दे दी गई कि 5,000 रुपए तक कोई भी परिवार की मुखिया महिला ओडी कर सकती है सेविंग अकाउंट में। अब ऐसा नहीं कि पहली बार बीएसबीडी अकाउंट के सेविंग अकाउंट में ओडी की फैसिलिटी दी गई, आपके सैलरी अकाउंट, जो आपका सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है, उसमें भी ओडी यानी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, उसमें भी ओडी यानी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर अब हमारा आ गया है 43, यानी बहुत फास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, और हम लोगों ने अभी रैपिड फायर में 1 घंटे में 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। सभी घरों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 7वें वॉश कॉन्क्लेव 2020 के अवसर पर निर्धारित लक्ष्य वर्ष कौन सा है? Which is the target year set on the occasion of 7th WASC Conclave 2020 to provide safe drinking water to all household? फटाफट बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? यानी 2024 तक, कब तक? 2024 तक सभी घरों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 7वें WASC Conclave 2020 के अवसर पर निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2024 रखा गया है। कौन सा रखा गया है? 2024, समझ लीजिए 2024। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है, इन कोलेबरेशन ऑफ 3 स्टेट, किन 3 राज्यों की सहायता से? एक का नाम है तेलंगाना, दूसरे का नाम है आंध्र प्रदेश, तीसरे का नाम है कर्नाटका, ठीक है। सो अगर बात करें इस कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन किया है, वो किया है बिश्वभूषण हरिचंदन ने। किसने किया है? बिश्वभूषण हरिचंदन साहब ने। और बिश्वभूषण हरिचंदन साहब कहाँ के गवर्नर हैं? गवर्नर है आंध्र प्रदेश के। कहाँ के गवर्नर है? आंध्र प्रदेश के। और इसकी जो थीम है वो है हाइजीन मैटर्स। क्या है थीम? हाइजीन मैटर्स। क्या है थीम? हाइजीन मैटर्स, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक, नेक्स्ट, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके साथ निजी फर्म ने 2021 में इसरो के PSLV पोलराइड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर भारत का पहला निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया। यानी अगर हम बात करें तो उस प्राइवेट कंपनी का नाम पूछा जिसने इसरो के साथ ये काम किया है, तो उस कंपनी का नाम है पिक्सल स्पेस। क्या नाम है? पिक्सल स्पेस। क्या नाम है? पिक्सल स्पेस। क्या नाम है? पिक्सल स्पेस। फटाफट आंसर दे दीजिए, पिक्सल स्पेस, ठीक है। पिक्सेल आ सैटेलाइट इमेजिन स्टार्टअप है साइंड अ वन ऑफ इट्स काइंड एग्रीमेंट विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंडर द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर टू लॉन्च फर्स्ट प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑन इसरोस
पीएसएलबी रॉकेट इन अर्ली, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 3 रिपोर्ट में माना गया है भारत का क्षेत्र महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, यानी IUCN के द्वारा इनमें से कौन सा क्षेत्र चिंता का विषय है, चिंता का विषय पूछा है कि कौन सा चिंता का विषय है। ठीक, फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ। और इसका जो आंसर है वो है वेस्टर्न घाट्स। क्या है वेस्टर्न घाट? 2012 में वेस्टर्न घाट्स को किसमें, यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ठीक है, अब देखो वेस्टर्न घाट्स है कहां पे, ये भी समझ लो फटाफट, मैप पे यही समझाए दे रहे हैं हम आपको। अगर हम सॉरी गलत हो गया, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट 2012 में कहां डाला गया था, वर्ल्ड हेरिटेज में। ठीक है, अब देखो यहां पे अब जगह तो बन जाएगा भारत से ही। ठीक, अब ये जो केरला का एरिया है, और ये किससे टच करता है, ये महाराष्ट्र से भी टच करता है, इस एरिया को कहा जाता है वेस्टर्न घाट। ठीक, तो यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, आपने सुना होगा केरला मसालों के लिए फेमस है, तो ये मसाले यहीं पैदा होते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इसे 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया गया था। कहाँ शामिल कर दिया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया गया था। और जब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया तो यहाँ पे अब लोग बस रहे, यानी अर्बनाइजेशन की वजह से ये चिंता का विषय है किसके लिए, IUCN के लिए। ठीक है, समझ में आया। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे कायम डाला गया था 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और अब चूंकि पॉपुलेशन प्रेशर है और अर्बनाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 63वें संयुक्त राष्ट्र आयोग पर नारकोटिक्स ड्रग जिसे सबसे खतरनाक ड्रग की श्रेणी से हटा दिया गया है। हाल ही में नारकोटिक्स ने ड्रग की श्रेणी से किसके हटाया है, डाइगोक्सिन को, क्लोजापाइन को, कोकेन को, एंटी हाइपरटेंसिव को या कैनेबिस को। तो मैं हिंदी में बता दूं, अभी हाल ही में भांग को इस दर्जे से हटा दिया गया है, और भांग को अंग्रेजी में कहा जाता है कैनेबिस। क्या कहा जाता है, कैनेबिस। तो हाल ही में जो आंसर लगेगा नार्कोटिक्स वाला वो लगेगा कैनेबिस। काहे में लगेगा, कैनेबिस में लगेगा, यानी भांग इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या है, भांग। ठीक है, कैनेबिस। आगे बढ़े, देखो दिसंबर 2020 में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपने सभी ग्राहकों के भुगतान और बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने के लिए नया ऐप कौन सा लॉन्च किया गया। एम कनेक्ट मोबाइल कनेक्ट नहीं है, पेज ऐप नहीं है, ये तो एचडीएफसी का है। गो मोबाइल नहीं है, योनो एसबीआई का है। किसका, ये एसबीआई का है, और ये किसका, एचडीएफसी का है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में आपके खाता है तो आप देखोगे आई मोबाइल ऐसे बना रहता है, आईसीआईसीआई। ठीक है, ऐसे एक ऐप होगी, ऐप का लोगो होगा तो आई बना है उस पर। ये आई मोबाइल आईसीआईसीआई बैंक की क्या है, आईसीआईसीआई बैंक की क्या है, ऐप है। क्या है, ऐप है। इतना समझ में आया, यस और नो, फटाफट आगे बढ़िए। समझ में आया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हु बिकम द यंगेस्ट एथलीट एवर टू बी नेम्ड एज द वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर रिसेंटली इन 2020। 2020 में सबसे यंग एथलीट का अवार्ड किसको मिला है, और वो मिला है, फटाफट बताओ, मोंडो डुप्लेंटिस को। किसको मिला है, मोंडो डुप्लेंटिस को मिला है। ये कहां से आते हैं, फटाफट बताओ, मोंडो डुप्लेंटिस कहां से आते हैं, मुंडो डुप्लेंटिस स्वीडन से आते हैं। कहां से आते हैं, स्वीडन। कहां से आते हैं, स्वीडन से आते हैं, और इनको मिला है। और महिलाओं का किसको मिला है, महिलाओं का मिला है यालीमर रोजास। ठीक है, सो पुरुष का किसको मिला है, पुरुष का मिला है मोंडो। किसको मिला है, मोंडो डुप्लेंटिस को मिला है। और महिलाओं का किसको मिला है, महिलाओं का किसको मिला है, यालीमार रोजास को मिला है। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और अगर हम बात करें तो ये वेनेजुएला से आती है। कहां से आती है, वेनेजुएला से आती है। ये वेनेजुएला की तरफ से क्या है, ट्रिपल जंप। ठीक, ट्रिपल जंप का स्पोर्ट्स खेलती है। सो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं फटाफट।
वेयर डिड साइंटिस्ट स्टार्ट अ प्रोजेक्ट ऑफ रेडियो टैगिंग वॉल्चर्स? वॉल्चर्स माने होता है गिद्ध, क्या होता है वॉल्चर्स माने? गिद्ध। वॉल्चर्स माने क्या होता है? गिद्ध। क्या होता है? गिद्ध को जियो टैगिंग की जा रही है, क्यों की जा रही है समझ लीजिए। गिद्ध उन जानवरों का मांस खाते हैं जो मर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अभी आपने देखा होगा जो गाय और भैंस होती है, इनको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी वजह से इनका दूध बढ़ जाता था, और जब ये मर जाते थे पशु तो इनका जो मांस होता था वो जहरीला होता था, जिसके खाने से गिद्धों की संख्या कम हो गई। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए रेडियो टैगिंग की जा रही है गिद्धों के ऊपर, और ये की जा रही है पन्ना टाइगर रिजर्व में। कहां की जा रही है? पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। कहां पे की जा रही है? पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। कहां पे की जा रही है? पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। फटाफट दोस्तों जुड़ते जाओ और शेयर कर दो। अगर मेरे पुराने स्टूडेंट कोई भी वीडियो देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर दो, लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नए स्टूडेंटों को भी बताओ कि अरविंद शुक्ला सर पढ़ा रहे हैं। ओईसीडी, ओईसीडी का मुख्यालय कहां पे है? ओईसीडी का मुख्यालय कहां पे है? फटाफट बताइए 52 क्वेश्चन का आंसर। ओईसीडी का मुख्यालय, ओईसीडी, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस। कहां पे है? फ्रांस पेरिस में। कहां पे है? फ्रांस, फ्रांस पेरिस। कहां पे है? फ्रांस पेरिस में है। ठीक है, आगे बढ़े, फ्रांस पेरिस में है। शिवालिक हाथी रिजर्व कहां है? फटाफट बताइए शिवालिक हाथी रिजर्व। अब हम लोग आ गए हैं स्टैटिक पे। किस पे आ गए हैं? स्टैटिक जीके पे आ गए हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस पे, जो दिसंबर के स्टैटिक क्वेश्चन है। तो शिवालिक हाथी रिजर्व कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में, केरला में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? फटाफट बताओ भाई। शिवालिक किसकी बात कर रहे हैं? शिवालिक की। तो शिवालिक कहां पे है? उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल या कहां पे? तो आपको आंसर हम दे दें, उत्तराखंड। कहां पे है? उत्तराखंड। शिवालिक हाथी रिजर्व कहां स्थित है? शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। कहां पे स्थित है? उत्तराखंड। ठीक, कहां पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड क्लियर्ड अ प्रपोजल टू कैंसिल द नोटिफिकेशन ऑफ शिवालिक एलिफेंट रिजर्व विच इज स्प्रेड ओवर 5409 स्क्वायर किलोमीटर इन द स्टेट। द फॉर्मल ऑर्डर फॉर कैंसिलिंग द नोटिफिकेशन विल बी इशू बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यानी इसलिए ये चर्चा में है शिवालिक उत्तराखंड। कहां पे है? शिवालिक उत्तराखंड। माउंट सेमरू एक सक्रिय ज्वालामुखी कहां पे है? बच्चे बच्चे को पता है कि माउंट सेमरू इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे है। कहां पे है? जावा द्वीप पे है। कहां पे है? जावा द्वीप पे है, इंडोनेशिया के। कहां पे है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे। कहां पे है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे माउंट सेमरू एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे बढ़े। सेमरू, द माउंट सेमरू इज अ एक्टिव वोल्केनो इन ईस्ट जावा इंडोनेशिया। बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और इस जो पर्वत है हाईएस्ट माउंटेन आइलैंड ऑफ जावा है, और इसे कहा जाता है महामेरु मीनिंग द ग्रेट माउंटेन। इसे महामेरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामेरु। क्या कहा जाता है? महामेरु। और महामेरु की अगर हम बात करें तो ये द ग्रेट माउंटेन। क्या कहा जाता है? द ग्रेट माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द ग्रेट माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, फटाफट आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, रीगन जनजाति किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन? रीगन जनजाति किस भारतीय राज्य से संबंधित है? असम, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट के हैं सभी राज्य। कहां के हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड? फटाफट बताइए कहां के हैं। तो रीगन, रीनग, रीनग जनजाति जिसे हम ब्रू भी कहते हैं, रीनग जनजाति कहां पाई जाती है? त्रिपुरा में पाई जाती है। कहां? ये मुख्य प्रजाति है। कहां की? ये मुख्य जनजाति है। मुख्य जनजाति कहां की है? त्रिपुरा की। लेकिन असम और अरुणाचल प्रदेश में भी यहां के कुछ लोग पाए जाते हैं, कुछ लोग पाए जाते हैं। अब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की बात करें तो बिप्लब देव, बिप्लब देव साहब त्रिपुरा के क्या है? मुख्यमंत्री हैं, मुख्य मंत्री हैं। और अगर हम बात करें तो राजधानी त्रिपुरा की क्या है? फटाफट बताओ, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। क्या है? अगरतला। क्या है? अगरतला। फटाफट आंसर दीजिए, अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिजोरम,
तो यहां पे आज की क्लास खत्म होती है। ये एक स्पेशल क्लास थी जहां मैंने रैपिड फायर मॉक वन पढ़ाया और यहां पे मैं 57 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स के। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन मैं छोड़ना नहीं चाहता जो आपकी नजर से निकल जाए। तो आपको अरविंद शुक्ला को फॉलो करना है। अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जुड़िए हम लोगों के साथ, हम पढ़ा रहे हैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और अगर आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा मेरा कोड ARS50 को यूज करिए और डिस्काउंट लीजिए। क्या लीजिए? डिस्काउंट लीजिए। क्या लीजिए? डिस्काउंट लीजिए। कितने परसेंट? 10%। ठीक है, सो नाउ थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहां मिलते हैं? ब्रेक के बाद। अब क्लास होगी 5 बजे। कितने बजे होगी? 5 बजे।